बात से उनसे यही एक बात सुन रहे कि इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो कहते क्यों ना लड़ें, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम बिल्कुल अपनी तादाद पूरी करेंगे, देखें हम किस तरह लड़ते हैं। और जिस तरह राणा साहब लगे हुए थे बात कर रहे हैं, राणा साहब के बड़े कॉन्फिडेंस था उनका, रात हमारे साथ बातचीत भी हुई है, वो कह रहे हैं कि जी नंबर गेम पूरी कर लेंगे या नहीं होगी, तो वो उन्होंने कई तरीके उन्होंने ऑप्शन सोच रखे हुए हैं। अब तो तमाम इत्तेहादी भी मिले हैं और आज इजलास हुआ है और उन्होंने भी यही कहा है कि जी हम पंजाब में भी और वफाक में भी हुकूमत करेंगे, तो देखें वो अब किस तरह करते हैं, ऑप्शंस वगैरह उन्होंने सारे रखे हैं, अब वो बैठ के करें, प्लान करें कि किस तरह करेंगे। कल से देखें उनकी जो सब शुरू हुए हैं, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कर रहे थे हमजा साहब, और उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें आई हुई थी, और उनसे भी वो भी बैठ के यही प्लान करें कि किस तरह वो बरकरार रख सकें पंजाब में अपनी हुकूमत। लेकिन ये नंबर गेम में एक बड़ी तादाद है, 10 नंबर चाहिए उनको, 10 वोटर वो ना इधर उधर कर सकते हैं ना इसको पूरा कर सकते हैं, ये एक मुश्किल टास्क है उनके लिए। अब देखें इसको किस तरह कर सकते हैं, या तो आज़ादा रकीन हों 10 तो उस तरह कर सकें, या आप कईयों को कहीं इस तरह चले जाएं, लेकिन सियासत में आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन पूरा करने। आप वो कह रहे थे कि जो जिन्होंने रिज़ाइन किया था उनसे भी उन्होंने भी कहा कि जी वो जो नियाजी साहब, उन्होंने फैसल नियाजी, उन्होंने कहा जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने जाके भी कहूँगा। तो अब सूरत हाल ये है कि आज देखें मुल्क की जो मईशत है उसके लिए, आम आदमी के लिए सोचने के लिए ये इकट्ठे नहीं होते इस तरह, जिस तरह आज इकट्ठे हो गए अपनी बका के लिए, अपने बचने के लिए, तो ये सारे इकट्ठे हुए हैं और बैठ के प्लान करें, तो ये कभी इस तरह पहले बैठे हैं कि आम आदमी को रिलीफ किस तरह दिया जाए, ना वो सोचते हैं पीटीआई, ना पीएमएलएन या इत्तेहादी, ये कोई सोचता नहीं। अब देखें लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई, महंगाई दोबारा शुरू हो गई, डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, डॉलर फिर बेलगाम हो गया, सही, इस पे कौन करेगा ये चीजें सोचनी चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा हो, ठीक वो नहीं सोचा जाएगा, इस वक्त बैठ के अपनी बचत के लिए कर रहे हैं, तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, तो ये इस तरह महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी और ये लोग कभी नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ अपना सोचेंगे।